रूस और यूक्रेन युद्ध को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन इन दोनों देशों के बीच है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो रूस का इलाका है, क्रक्स है, वहां पर यूक्रेनी सेना काफी अंदर तक दाखिल हो गई है, वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मयंक हमारे साथ है। मयंक, क्रक्स में लगातार जो यूक्रेनी सेना है वो दाखिल होती चली जा रही है और वहां पर स्थिति बड़ी टेंस हो गई है। इन 2.5 सालों में हमने देखा धीरे धीरे युद्ध आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी मामला धीरे धीरे गर्माता चला जा रहा है और हमले कह रहे हैं रूस की अगर इसी तरह से यूक्रेनी सेना आगे की तरफ बढ़ती रही तो हमारे हमले तेज होंगे। देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब रूस की सीमा के अंदर किसी दूसरे देश की फोर्सेस जो हैं वो अंदर आईं। अब उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार किया है और करीब 2000 से ज़्यादा सैनिक यूक्रेन के वो पिछले 48 घंटे में मारे गए हैं। देखिए, रूस की सीमा के अंदर किसी दूसरे देश के सैनिक का आना ये अपने आप में एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे दुनिया को चौंका के रख दिया। अभी तक ये माना जा रहा था कि यूक्रेन जो है, पहले तो रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि हम बस एक हफ्ते में जो है वो यूक्रेन को खत्म कर देंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो है जिस तरह से यूक्रेन की सेना अंदर घुसी रूस में, उसने सबको जो है एकदम आश्चर्यचकित कर दिया कि ये कैसे हुआ। उसके बाद ये एक प्रेस्टीज इशू था रूस के लिए, तो बदले में रूस ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है और 2000 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि MI-17 हेलीकॉप्टर है, MI-8 हेलीकॉप्टर है, ये तबाह कर दिए गए हैं। SU-24 एक प्लेन, यूक्रेन का प्लेन था, उसको तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही 35 ड्रोन यूक्रेन के तबाह कर दिए गए हैं। तो रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से जबरदस्त पलटवार हुआ है। यानी रूस को बिल्कुल नागवार गुजर रहा है कि आखिर हमारे टेरिटरी में, मतलब कैसे आप हमारे अंदर तक दाखिल हो गए, जिस यूक्रेन को हम थोड़े दिनों में खत्म करने की बात कर रहे थे, उसकी इतनी जरूरत कैसे हो गई कि वो हमारे में दाखिल हो गया। ऐसे में अब रूस लगातार पलटवार कर रहा है। हाँ, कीव पर भी अब हमला किया गया, जरा इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एक प्रकार से यूक्रेन का जो हमला था ये रूस की संप्रभुता पर हमला, जो सॉवरेंटी है उस पे हमले की तरह देखा गया और इसका इसी का नतीजा है कि रूस जो है बिल्कुल बौखलाया हुआ है। पुतिन एकदम नाराज हैं और उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया है। कीव पर जो है वो काफी समय बाद बहुत ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि इस बार तो नॉर्थ कोरिया की एक मिसाइल है KN-23, इस मिसाइल से भी रूस ने जो है वो कीव पर हमला किया है। अच्छा, तो पहले हमने देखा था कीव पर शुरुआती तौर पे तो जरूर हमले की कोशिश की गई, लेकिन वहां तक रूस की सेना नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब टारगेट कीव को किया जा रहा है। बिल्कुल। तो अब जो है वो यूक्रेन के कई शहर जो है वो रूस के निशाने पे हैं। कीव में बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रही हैं, यूक्रेन के कई इलाकों पर हमले हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन जो है वो इसी तरह से रूस के हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। लेकिन इस बीच में एक जो बड़ी चिंता की बात सामने निकल के आ रही है इस पूरे हमले के बाद, वो ये है कि कर्क्स जो इलाका है, यहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है रूस का, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो इस न्यूक्लियर प्लांट पर को निशाना बना सकता है, या इस पे जो है किसी तरह का रेडिएशन, यहाँ पे किसी तरह का हमला करके यहाँ से रेडिएशन फैलाने की कोशिश हो सकती है। तो इसको लेके जो है ना सिर्फ रूस बल्कि यूरोप और अमेरिका सब जो है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं और रूस की तरफ से जो रूस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से बड़ी साफ ये बात कह दी गई है। कैबिनेट की भी बैठक हुई अभी पुतिन की, उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई जैसा सोर्सेज बता रहे हैं, और रूस का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अगर उसके न्यूक्लियर प्लांट पे किसी तरह का हमला होता है या उसको निशाना बनाने की कोशिश होती है तो फिर ये बात कहीं न्यूक्लियर अटैक की तरफ आगे ना बढ़ जाए, इसको लेके जो है वो एक बड़ी चिंता पूरे यूरोप में है। और दूसरी खास बात एक ये भी है कि जो बेलारूस है, रूस का जो सहयोगी है, इसने पोलैंड की सीमाओं पे जो है वो अपनी 2/3 जो है फोर्सेस वो यहाँ तैनात कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वॉरशिप्स सब बिल्कुल तैयार हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि गाज़ा और ईरान और इसराइल के बीच जो टेंशन है, जो एकदम मतलब ऐसा लगता है कि बारूद की ढेर पे सब कुछ बैठा हुआ है, अब लड़ाई बहुत तेज होगी कि तब ऐसा ही सिचुएशन अचानक जो है पिछले ये कर्क्स पे हमले के बाद से जो है वो यूक्रेन और रूस के बीच में भी पैदा हो गई है। और बात अब जब न्यूक्लियर प्लांट की जब भी होती है तो ये एक बड़ा रेडिएशन का खतरा हमेशा बना रहता है। देखिए, इस इलाके में जो रेडिएशन होगा उसका असर पूरे यूरोप पे होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर रूस के किसी न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हो जाता है या वहां से रेडिएशन हो जाता है तो वो सिर्फ रूस तक सीमित रह जाएगा या पोलैंड तक सीमित रह जाएगा, उसका असर पूरे यूरोप पे होना तय
तय है। इसलिए आप देखें कि ये इस न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को लेके पूरी दुनिया भर की निगाहें जो है वो इस बात पे आके टिकी हुई है। इसमें उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई, जरा वो भी बताइए कि किस तरह से। ये जो एक नई चीज जो है इस बार सामने आई कि कीव पे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरी हैं, इसमें से बताया जा रहा है कि दो बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी थी जिनका नाम जो है वो KN-23। ये दोनों नॉर्थ कोरिया की जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स है। तो अब आप देखिए, एक प्रकार से आप देखें तो ये पूरी दुनिया में एकदम से ध्रुवीकरण होता जा रहा है। रूस चीन साफ तौर से दिख रहा है कि दो खेमों में पूरी दुनिया बढ़ती चली जा रही है। चाहे किसी भी युद्ध का कोई भी युद्ध की जगह हो, चाहे इसराइल हो या फिर अब इधर यूक्रेन और रूस हो, हर जगह दो खेमे। देखिए, जो कोल्ड वॉर के समय था कि एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ यूएसएसआर था, तो अब वैसे ही जो है रूस और अमेरिका, ये दो खेमे एकदम साफ है। और एक तरफ चीन भी जो है वो रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब नॉर्थ कोरिया भी है, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की जो हथियार हैं वो शायद ईरान को भी सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ऐसा कुल मिला के आप देखें कि ये जो फ्रंट है यूक्रेन वाला। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बात है ये, आप देखिए कि जैसे ईरान इसराइल और हमास और हिजबुल्ला ईरान के बीच में जैसे जैसे टेंशन आगे बढ़ता जा रहा था, अभी आप देखें उसी बीच में अचानक से यूक्रेन की फोर्सेस कर्स्क के अंदर घुस जाती हैं। अब देखिए, रूस का ध्यान एक बार फिर से, बीच में ये हो रहा था कि रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन बजट क्या की। अब इसी बीच में अचानक से जो है यूक्रेन की फोर्सेस रूस में घुस जाती हैं और रूस का पूरा ध्यान एक बार फिर से वापस यूक्रेन पे पहुंच गया है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब दो दो जगह पर किस तरह से वॉर चल रहा है और वॉर के साथ से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। तो इस तरह से कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी इसका भी कनेक्शन जोड़ के देख रहे हैं कि भाई हाँ, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ईरान की मदद जो है वो एक तरह से संदेश दिया गया कि अगर आप ईरान की मदद करेंगे तो देखिए यूक्रेन भी फिर आप पे अटैक अंदर घुस सकता है। तो एक प्रकार से ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ऐसी अपनी राय जता रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये देखें कि ये पूरा इलाका जो है यूक्रेन और रूस वाला, अब ये फिर एक बार इसमें चूंकि अब न्यूक्लियर स्ट्रेटजी भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियर प्लांट है, तो इसको लेके जो है ये एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। और इस इलाके में अगर किसी भी तरह का युद्ध बढ़ता है आगे, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे किसी न्यूक्लियर प्लांट से कोई रेडिएशन हो जाता है, तो इसका तो फिर बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। रूस का गुस्सा, पुतिन का गुस्सा किस तरीके का है, वो पीछे कुछ हमलों से जाहिर होता दिखाई दे रहा है। तो इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।